सिटी ऑफ चिन जादुई मिथक प्राचीन ओमानी नखलिस्तान को परेशान करते हैं। बहाला ओमान के सूखे आंतरिक भाग में बहाला का प्राचीन नखलिस्तान शहर ऊंट खाने वाले आग उगलने वाले लकड़बग्घे और पुरुषों के गधे बनने के मिथकों से भरा पड़ा है। जादू और रहस्य के लिए एक प्रतिष्ठा जो आज तक कायम है। कुछ अंधविश्वासी ओमानिस अभी भी जिन की कहानियों के कारण अलग थलग रेगिस्तानी बस्ती से दूर रहते हैं। ये आत्माएं इस्लाम की शुरुआत से पहले से ही अरब लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं। बहला ताड़ के पेड़ों और भयानक परिधिक मिट्टी ऊंट के घरों का एक शांत शहर अल्दाकिलिया प्रांत में राजधानी मस्कत से लगभग 200 किलोमीटर 125 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसके प्रवेश द्वार पर एक भव्य डबल तोरण द्वार है। यहाँ ओमान की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक में विश्वास जिन में दृढ़ है, जिन्हें मनुष्यों और स्वर्गदूतों से अलग अलौकिक प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है जो मानव जाति के साथ रहते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बहला के मध्ययुगीन किले में टूर गाइड हमद अल रबानी ने कहा, हम मानते हैं कि जिन भगवान की रचनाओं में से हैं, इसलिए यह अजीब नहीं है। बहला में जादुई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें ये लोकप्रिय मिथक भी शामिल है कि आक्रमणकारियों से बचाने के लिए अलौकिक शक्तियों ने एक ही रात में शहर के चारों ओर 13 किलोमीटर की दीवार बना दी थी। 55 वर्षीय रबानी ने कहा, किंवदंती दो बहनों की है, दोनों जिन, जिनमें से एक ने सुरक्षा के लिए दीवार बनाई और दूसरी जिसने कृषि के लिए एक प्राचीन सिंचाई प्रणाली बनाई। आपका दिमाग इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जिनकी अवधारणा इस्लाम से पहले की है, लेकिन आत्माओं का वर्णन इस्लामी ग्रंथों में मिलता है जो उन्हें ईश्वर की प्रजा घोषित करते हैं। हालांकि बहला जैसी कुछ जगहें जिनसे इतनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं, जहां आप ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं जो अचानक गधे और अन्य जानवरों में बदल जाते हैं, रबानी ने कहा। उन्होंने कहा, एक बूढ़ी औरत अक्सर आधी रात के बाद किसी को अपनी गाय का दूध दुहते हुए सुनती थी, लेकिन जब भी वह जांच करने जाती तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। आप सुनते तो हैं, लेकिन कभी देखते नहीं, क्योंकि आपका दिमाग इसे ग्रहण नहीं कर पाता। बहला के पुराने सूखिया बाजार में दोपहर की प्रार्थना के बाद जैसे ही सन्नाटा छा जाता है, कुछ निवासी आत्माओं के लिए शहर की प्रतिष्ठा पर चर्चा करने में असहज हो जाते हैं। उन्हें डर होता है कि इससे उनकी छवि खराब हो सकती है। लेकिन 70 के दशक में बहला मूल निवासी मोहम्मद अल हाशमी ने कहा कि उनका अधिकांश जीवन अलौकिक मान्यताओं से प्रभावित हुआ है। एक बच्चे के रूप में उन्हें ऊंटों के भूखे और आग की लपटों वाले लकड़बग्घों की कहानियां सुनाई जाती थी जो रात में रेगिस्तान में घूमते थे। उन्होंने एक वातानुकूलित सुपरमार्केट में एफपी को बताया, वे हमें जादू के कारण सूर्यास्त के बाद बाहर न निकलने की चेतावनी देते थे। फैंटम ब्लेज लॉस एंजल्स में लोयोला मैरीमाउंट विश्वविद्यालय में इस्लामी इतिहास के प्रोफेसर अली एओलोमी के अनुसार मौखिक लोक कथाओं और कुछ प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जिन अरब प्रायद्वीप के सुदूर इलाकों में आम हैं। उन्होंने कहा, ओमान और पड़ोसी यमन प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी देश दोनों न केवल महान ऐतिहासिक महत्व वाले प्राचीन स्थानों के रूप में बल्कि जिन्नों की भूमि के रूप में भी ख्याति अर्जित करते हैं। इस्लामिक गूढ़ विद्या और ज्योतिष में विशेषज्ञता रखने वाले ओलोमी ने कहा, बहला में प्रेत ज्वालाओं और आग, एनिमेटेड रेगिस्तानी तूफान और यहाँ तक कि अलौकिक ताकतों द्वारा निर्मित इमारतों की कहानियाँ हैं।
बेहला के बारे में ऐसी कहानियां प्रचलित होने का एक कारण यह है कि यह प्राचीन काल में एक दूरस्थ चौकी थी जो रेगिस्तान और नाटकीय हजार पहाड़ों से घिरी हुई थी। ओलोमी ने कहा, बेहला जैसी जगहों पर जिनकी मौजूदगी हमें अरब प्रायद्वीप के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। ये दूर दराज की बस्तियों में रहने वाले लोगों का इतिहास है जो अन्य मानव बस्तियों से अनिश्चित रूप से जुड़े हुए हैं और जो अपने चारों ओर प्रकृति की उपस्थिति को उत्सुकता से महसूस करते हैं। हालांकि युवा ओमानियों में हर कोई जिनके बारे में आश्वस्त नहीं है, जिसमें बेहला में 24 वर्षीय गणित शिक्षक माजिन अल खातेरी भी शामिल हैं। उन्होंने ओल्ड सूक के एक कैफे में कहा, ये हमारे दादा दादी द्वारा बताई गई कहानियां हैं। हम नहीं जानते कि वे सही हैं या गलत, लेकिन मस्कट में रहने वाले 30 वर्षीय हसन ने कहा कि बेहला पर संदेह अभी भी आम बात है। मेरा परिवार मुझे कभी जाने नहीं देगा। उन्होंने अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए केवल अपने पहले नाम का उपयोग करने के लिए कहा। अफवाहें कहती हैं कि यह जिन्नों का शहर है जहां वे रहते हैं और उन्हें अधिक स्वतंत्रता है। असली जिन मेरी प्रारंभिक किशोरावस्था 13 वर्ष में किसी समय मैं आधी रात को उठता था और अपने बिस्तर के नीचे एक काली आकृति को खड़ा देखता था। किसी तरह मुझे पता था कि यह एक महिला थी, भले ही मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। वह हर 2 महीने में एक बार दिखाई देती थी। पहले कुछ बार इसने मुझे भयभीत कर दिया। मैं रात भर जाकर उसे घूरता रहता हूँ। आखिरकार मुझे उसकी आदत हो गई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने कितनी कोशिश की, या तो मैं बिस्तर पर वापस जाऊँ, उसे चले जाने के लिए कहूँ, या उससे बात करने की कोशिश करूँ। वह कभी जवाब नहीं देगी। कभी कभी वह बिस्तर पर मेरे ऊपर खड़ी दिखाई देती थी। वह सबसे डरावना था। बाद में मेरे एक मित्र जो एक योग्य मनोवैज्ञानिक हैं, ने मुझे बताया कि तनाव से संबंधित कई बीमारियां हैं जो इस तरह से प्रकट हो सकती हैं। मेरा बचपन अलग अलग कारणों से बहुत तनाव में था, इसलिए मैंने मान लिया कि यही था। आखिरी 2 बार मैंने उसे तब देखा था जब मैं लगभग 25 साल का था और फिर 7 साल बाद अपने हनीमून पर, जब मेरी पत्नी ने मुझे डरते हुए जगाया कि हमारे बिस्तर के नीचे काले कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। मैंने काले कपड़ों वाली महिलाओं को घूर कर देखा, फिर अपनी पत्नी को। मैं हैरान था कि मेरी पत्नी उसे देख सकती थी। मैं लाइट चालू करने के लिए उठा और वह जा चुकी थी। मैं अपनी पत्नी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने अपनी पत्नी को ये कहानी कभी नहीं बताई क्योंकि इससे वह डर जाएगी और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा करूंगी। मैं समय समय पर उससे पूछता रहता हूँ कि क्या उसने उसे दोबारा कभी देखा है, लेकिन उसने कभी नहीं देखा। वह इसे अपनी जिन कहानियों में से एक के रूप में बताती है और मैं वहीं बैठ जाता हूँ और चेहरे पर मुस्कान के साथ सुनता हूँ। लेकिन दिल से मुझे उम्मीद है कि काले कपड़े पहनने वाली महिलाएं फिर कभी वापस नहीं आएंगी।